संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर्स बीसी थर्ड ईयर का यूनिट फाइव का टॉपिक्स हैं पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। स्टाउडिंजर 1920 के अनुसार वे पदार्थ जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है वर्ध अणु मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। वर्ध अणु वे बड़े अणु होते हैं जो समान अथवा भिन्न संरचना की छोटी छोटी इकाइयों के आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बार बार जुड़ने पर प्राप्त होते हैं तथा जिनका आकार कोलाइडी कणों के आकार परास अर्थात 10 एंगस्ट्रोंग से 1000 एंगस्ट्रोंग तक एवं अणुभार 10,000 अथवा इससे अधिक होता है। इनका आकार कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है अतः इन्हें आणविक कोलाइड मॉलिक्यूलर कोलाइड भी कहते हैं। वर्ध अणु में छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के रूप में अणु अथवा परमाणु हो सकते हैं अतः वर्ध अणु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे अर्ध अणु जिनमें संरचनात्मक इकाई के रूप में एक या अधिक छोटे छोटे अणु होते हैं। इस प्रकार के अणुओं के बारे बार बार जुड़ने पर बने वर्ध अणु को बहुलक पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण पॉलीथीन बहुलक जो एथिन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर प्राप्त होता है। बहुलक कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं। वे वर्ध अणु जिसमें संरचनात्मक इकाई के रूप में परमाणु होते हैं ये परमाणु समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण हीरा और क्वार्ट्ज आदि। सिलिकॉन व ऑक्सीजन के परमाणु त्रिविमीय जालक में जुड़कर क्वार्ट्ज वर्ध अणु बनाते हैं। क्वार्ट्ज की त्रिविम जालक संरचना आपको दी हुई है, चतुष्फलकीय संरचना के समान है। बहुलक पॉलीमर समान अथवा भिन्न संरचना वाले सरल एवं कम अणुभार वाले अणु आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं तथा ये प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ पॉलिस एक से अधिक अथवा मर्स जिसका अर्थ है भाग अथवा इकाई से वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है एक लख मोनोमर्स कहलाते हैं। उदाहरण दिया हुआ है प्रोपिन एक लख है जिसके एन अणु लिए हुए प्रोपिन की बहुत सारी संरचनात्मक इकाइयां आपस में मिलकर ये संरचना बनाई हुई है ये पॉलीमर्स है। उपरोक्त अभिक्रिया में प्रोपिन के अनेक अणु आपस में मिलकर पॉलीप्रोपिन बनाते हैं। यहाँ प्रोपिन एक लख है जबकि पॉलीप्रोपिन बहुलक है। किसी बहुलक में उपस्थित एकलक इकाई की संख्या किसी बहुलक में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या को किसी बहुलक में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या को बहुलकीकरण की मात्रा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वह पूर्ण इकाई जो एक बहुलक में बार बार आती है पुनरावर्त इकाई रिपीट यूनिट कहलाती हैं। ये सामान्यतः एकलक के समान होती हैं। किसी बहुलक श्रृंखला की लंबाई एन के मान पर निर्भर करती हैं। वे बहुलक जिनमें एन का मान कम 10 से 100 हो उन्हें ओलिगोमर कहते हैं।
तथा वे बहुलक जिनमें इनका मान 100 से अधिक होता है उन्हें उच्च बहुलक हाई पॉलीमर कहते हैं। नामकरण नॉमेनक्लेचर। सामान्यतः बहुलक का नामकरण उसके एक लक के आधार पर किया जाता है। एक लक के नाम से पहले पॉली पूर्व लगन प्रीफिक्स प्रयुक्त करते हैं, उदाहरण पॉलीथिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट आदि। सम बहुलक होमोपॉलीमर, वे बहुलक जिनमें एक लक इकाइयां समान हो सम बहुलक होमोपॉलीमर कहलाते हैं। पॉली एथिलीन, एथिलीन का संबहुलक है क्योंकि पॉलीथीन की श्रृंखला में केवल एथिलीन के अणु होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाइनल क्लोराइड का संबहुलक है क्योंकि इनमें केवल वाइनिल क्लोराइड के अणु हैं। सबहुलक को पॉलीमर, वे बहुलक जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं। सबहुलक अथवा मिश्रित बहुलक कहलाते हैं, उदाहरण दिया हुआ है नाइलॉन 66 एक सबहुलक है जिसमें हेक्सामेथिलीन डायएमीन तथा एडिपिक अम्ल होता है। टेरिलीन 1,2 इथेन डाईओल तथा टर्थैलिक अम्ल का सबहुलक है। समबहुलकों के समान सबहुलक भी रेखिक साकित त्रियकबद्ध संरचना युक्त होते हैं। दो भिन्न इकाइयां ए तथा बी द्वारा रेखिक सबहुलक अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एकांतर या प्रत्यावर्ती सबहुलक अल्टरनेट को पॉलीमर, इसमें एक लक इकाइयां प्रत्यावर्ती के रूप में जुड़ी रहती हैं, जैसे Na प्लस Nb, और ये अल्टरनेट इसमें है। स्टाइरिन तथा मेलेक एनहाइड्राइड द्वारा निर्मित बहुलक यादृच्छिक सबहुलक रैंडम को पॉलीमर, इन बहुलकों को दीर्घ श्रृंखला में एक लक में भी इसी प्रकार अनियमित रूप से जुड़े रहते हैं। एन ए प्लस एन बी ए ए बी ए बी बी ए। स्टाइरिन तथा मैथिल एक्रिलेट द्वारा निर्मित बहुलक ब्लॉक सबहुलक ब्लॉक कोपॉलीमर, वे रेखिक सबहुलक जिनमें प्रत्येक इकाइयां स्पष्टतया दीर्घ अनुक्रम बनाती हैं, जैसे Na प्लस Nb। तो पहले ए हैं, फिर बीच में बी हैं, फिर ए ए हैं। स्टाइरिन तथा आइसोप्रीन द्वारा निर्मित बहुलक रोपित सबहुलक ग्राफ्ट कोपॉलीमर, वे साकित बहुलक जिनकी मुख्य श्रृंखला तथा पार्श्व शाखाओं में भिन्न प्रकार के एकलक होते हैं, जैसे Na प्लस Nb प्लस Nc। बहुलकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, संरचना के आधार पर वर्गीकरण, संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इस आधार पर बहुलकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, फर्स्ट है प्राकृतिक, दूसरा है संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर, वे बहुलक जो प्रकृति में अथवा प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण है सेलुलोस जो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, पेड़ों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार गेहूँ चावल आदि में उपस्थित स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक। प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल प्राकृतिक रबर समपक्ष आइसोप्रीन का बहुलक आदि प्राकृतिक बहुलक के अन्य उदाहरण हैं। संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर,
वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इसके लिए सरल एवं न्यून अणु भार वाले पदार्थ को लेकर विभिन्न विधियों द्वारा बहुलकीकरण कराते हैं, जैसे कृत्रिम रबड़, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलोन, पॉलीस्टायरीन, बैकेलाइट आदि, पॉलीआइसोप्रीन प्राकृतिक बहुलक, पॉलीएथिलीन संश्लेषित बहुलक। संरचना के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस आधार पर बहुलकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर। रेखीय बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक जैसी श्रृंखला के पास पास व्यवस्थित हो जाती है। फलस्वरूप रेखीय बहुलकों के गलनांक, घनत्व एवं तनन सामर्थ्य उच्च होते हैं तथा इनके अणुओं के मध्य प्रबल बंध होते हैं। उदाहरण नाइलॉन, अधि घनत्व वाली पॉलीथीन और पॉलीएस्टर आदि। साकित बहुलक, रेखीय बहुलक की संरचना, ये जो स्ट्रक्चर दी हुई नीचे, साकित बहुलक, इन बहुलकों से एक मुख्य श्रृंखला बनती है तथा इसमें उससे कुछ अनियमित साकित श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं तथा इनके गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य तथा बंध कम प्रबल होते हैं। उदाहरण कम घनत्व वाली पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एम्बाइलोपेक्टिन आदि। त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक, थ्री डाइमेंशनल क्रॉस लिंकेड पॉलीमर्स। इन बहुलकों में एकलक इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं रासायनिक त्रिक बंधों द्वारा त्रिविमीय जाल के रूप में जुड़ी रहती हैं। इन बहुलकों का आकार बड़ा होता है तथा एकलक इकाइयों के मध्य मजबूत बंध पाया जाता है। ये कठोर दृढ़ भंगुर होते हैं, ये पिघलते नहीं हैं परंतु अधिक गर्म करने पर जलने लगते हैं। उदाहरण बैकेलाइट, बैकेलाइट त्रिविमीय बहुलक हैं क्योंकि इसके जो एकलक इकाइयाँ हैं उनके मध्य क्रॉस बंध उपस्थित होते हैं। बैकेलाइट की एकलक इकाई क्या होती है? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जिसकी एकलक इकाई होती है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जिसकी एकलक इकाई होती है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड।